पद के प्रत्याशी हैं, और अभी तक कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो लोग काफी कुछ पैसा खर्च कर दिया है, क्या मानते हैं सरकार जिसके फैसले को लेकर? सरकार का फैसला कानून के खिलाफ है। मेरा मानना है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी, चुनाव कराना चाहिए था, क्योंकि निर्वाचन आयोग कानून के तहत निर्वाचन करा रहा था। चुनाव न होने से जो प्रत्याशी हैं उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति काफ़ी असर पड़ा है, काफ़ी पैसा व्यय हो चुका है। मेरा मानना है कि चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, इससे आम पब्लिक जो प्रत्याशी हैं उनका भारी नुकसान हुआ है। मेरा ये कहना है, मेरा मत है कि चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नुकसान हैं। आप जैसे ही बहुत प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी खर्च किया है, तो सरकार से और निर्वाचन आयोग से क्या मांग करते हैं आपकी? हमारा कहना ये है कि निर्वाचन प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया हो रही थी कानून के दायरे में हो रही थी, और इतना लोग पैसे खर्च कर चुके हैं। और रही बात पैसे की, तो चुनाव आयोग अगर निर्वाचन प्रक्रिया नहीं करता है तो पैसे 2,000 रुपये वापस होंगे सरपंच जी का, जिनका पैसा जनपद का है वो वापस हो जाएंगे, लेकिन जो हम अतिरिक्त खर्चा कर चुके हैं वो हमारा वापस नहीं आएगा, जिससे हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। और मेरा मानना है कि चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। आप कहाँ से? मैं ग्राम कठेरी का सरपंच प्रत्याशी हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है। मैं चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह लिप्त हो गया था, मेरे काफ़ी पैसे खर्च हो चुके हैं, पंपलेट वगैरह छपा लिया और बंटवा भी दिया, तो मेरा मानना है कि चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पैसे खर्चे हो गए हैं तो सिर्फ हमारा अगर पैसा वापस होगा तो सिर्फ जो रसीद कटी है उसका पैसा वापस होगा, बाकी जो हमारा अतिरिक्त व्यय हुआ है वो वापस नहीं हो पाएगा। ठीक। ये सरकार ने चुनाव जो रद्द करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा था विधेयक, उसके बाद प्रत्याशियों में क्या असर होगा और इसका क्या वो हो रहा है, क्या है उसके पास, सरकार के पास इतना वो कि चुनाव रद्द कर सकती है? देखिए, प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरह से भ्रमित है, और भ्रमित है और साथ साथ वो अपने भ्रम का इस्तेमाल आम लोगों को परेशान करने के लिए प्रयोग कर रही है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, मामला हाई कोर्ट पर विचाराधीन था और फिर सुप्रीम कोर्ट में लौट के गया, तब इसके बाद तो सरकार को इस पर हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं बचती थी। अगर कोई हस्तक्षेप करना ही था तो इनको प्रॉपर तरीके से जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया था उसी दिन इनको रिव्यू पिटीशन पे जाना चाहिए था, वो समय निकाल दिया इनने। अब जब प्रदेश की जनता के बीच में चुनाव आपने थोप दिया, गैर कानूनी तरीके से चुनाव को थोपा और उसका चारों तरफ से विरोध होने लगा, कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के लोगों ने भी, ओबीसी समाज के लोगों ने और अन्य समाज के लोगों ने भी मिलकर इस बात का समर्थन किया कि कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी के पक्ष में लड़ाई लड़ रही है वो जायज लड़ाई है, ओबीसी के बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होने चाहिए, तब ये परेशानी में आके, झंझट में आके इनको लगा कि सारा जनमत खिसक रहा है, तो एक तरह से इनने जनमत को साधने का षड्यंत्र किया है। बाकी कोई नैतिक रूप से, कोई वैधानिक रूप से इनने कोई अधिकार जनता को सौंपने के लिए कोई निर्णय नहीं किया है। तो प्रत्याशियों को इससे क्या नुकसान? अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इससे संक्रमण की स्थिति क्या हो सकती है कि एक तरफ सरकार कहती है कि चुनाव नहीं होंगे, निर्वाचन आयोग ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली, सिंबल अलाट कर दिया, अभ्यर्थियों ने अपना खर्चा लगा दिया, फॉर्म भर दिया, पैसा जमा कर दिया, बहुत सारे ड्यूज थे जो अनेक प्रकार के ड्यूज निकाल के सरकार ने उनको वसूल कर लिया, और लोग मैदान में जब चले गए और उसके बाद उनके सामने आज ये स्थिति निर्मित कर दिया है कि उनको लगता है कि कदम बढ़ाएं कि पीछे करें, कदम बढ़ाएं कि पीछे करें। इस तरह की संक्रमण काल की स्थिति भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं थी, न इस तरह की कोई उम्मीद थी राजनीतिक दल से और सरकार से। ठीक, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शुरू से ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी, और उन्होंने जब 2019 का आदरणीय कंवर नाथ जी के जो परिसीमन था, जो उनका रोटेशन प्रक्रिया के तहत किया गया आरक्षण था, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने अध्यादेश लाए, और वो अध्यादेश इनका विधि सम्मत नहीं था, क्योंकि जब भी कोई चुनाव प्रक्रिया होती है वो हमारा पंचायती राज अधिनियम ये कहता है कि हम रोटेशन के तहत ही चुनाव कराएंगे, और जब ये अध्यादेश लाए उस अध्यादेश के खिलाफ हमारे माननीय
विवेक तनखा जी जब सुप्रीम कोर्ट गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि आप जो ओबीसी की आरक्षित सीटें हैं उनको रोक करके होल्ड करके और बाकी आप चुनाव कराइए विसम्मत चुनाव। तो यहाँ पर चुनाव वापस अध्यादेश वापस लेकर के चुनाव रद्द करने के पीछे जो इनकी मंशा थी वो बिल्कुल विधि विरुद्ध थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि शिवराज सिंह की सरकार ने जो ये अध्यादेश वापस लेकर के चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया है तो अभी पसे प्रेस की स्थिति है, क्योंकि सरकार को चुनाव रोक प्रक्रिया को रोकने का अधिकार ही नहीं है। चुनाव प्रक्रिया को केवल और केवल निर्वाचन आयोग रोक सकता है, रोक लगा सकता है, या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का और निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं आया है कि चुनाव प्रक्रिया रोकी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार जो है प्रदेश की जनता को अंधकार में रख करके उन्हें बेवकूफ बना रही है। तो नुकसान कितना, अगर निरस्त होता है तो नुकसान कितना होगा प्रत्याशियों को? इसमें निरस्त होता है चुनाव अगर तो सरकार का तो कुछ नुकसान होगा नहीं, क्योंकि सरकार की जो मंशा थी कि हमारे प्रदेश के गरीब किसान मजदूर, तीसरी पंचायत में चुनाव कौन लड़ता है, गरीब किसान मजदूर यही।